सुपरफास्ट खबर पर नजर पकाइबा। आज देश में 94,052 जन कोरोना संक्रमित चिन्हट, आक्रांत संख्या 2,91,83,121 पहुंची। सेपटे आज देश में कोरोना जनित मृत्यु संख्या सर्वाधिक रही। गत 24 घंटे कोरोना रे 6,148 जन आक्रांत मृत्यु होई। कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,69,676 को वृद्धि पाई। देश में गत 24 घंटे कोरोनार आउ 1,51,370 जन सुस्थ होती। कोरोनार मोट 2,76,55,493 जन सुस्थ हो सारे। देश में आउ 11,67,952 कोरोना संक्रमित सक्रिय रही। एपर्तंत 23,90,58,360 जन टीकाकरण हो सारा केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्ष सूचना। गत 24 घंटे राज्य में 6,97 नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट, संगरोधर 3,446 और लोकल कंटाक्ट 2,651 आक्रांत चिन्हट। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1,017 जन आक्रांत चिन्हट होती। कटक्रु 647, जाजपुर 434, बालेश्वर 392, मयूरभंज 297, अनुगुल 295, पुरी 291, केन्द्रापड़ 253, भद्रक 246, जगत सिंहपुर 226, सुंदरगढ़ 208 जन आक्रांत चिन्हट होती। स्टेट पुल 151, नवरंगपुर 146, बौद्धर 130, कोरापुट 126, केन्दुझर 123, नयगढ़ 120, रायगढ़ 120, कंधमाल 122, बरगड़ 107, संबलपुर 101, मलकानगिरी 84, कलाहांडी 77, बलांगीर 77 संक्रमित चिन्हट होती। ढेंकानाल 73, सोनपुर 64, गजपति 48, गंजाम 45, झारसुगुड़ 42, देवगढ़ 28, नुआपड़ 17 संक्रमित चिन्हट। राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 8,37,226 पहुंची। आज सुस्थ हो घर को फेरी 8,032 जन आक्रांत। एवं राज्य में सक्रिय संक्रमितों संख्या 69,333 रही। राज्य में गत 24 घंटे कोरोना रे आउ 44 रोगी मृत्यु। खोर्धार सर्वाधिक 5 जन मृत्यु। अनुगुल, कटक, बरगढ़, कटक, झारसुगुड़ा 4 जन लेखाएं रोगी मृत्यु होती। कलाहांडी, पुरी, रायगढ़ और सुंदरगढ़ 3 जन लेखाएं मृत। बलांगीर, बौद्ध, मयूरभंज 2 जन लेखाएं मृत। सेपरी देवगढ़, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, संबलपुर जन लेखाएं मृत्यु होती। राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3,167। राज्यर मेडिसिन दोकानी और कर्मचारी हेब टीकाकरण। औषध दोकानी दावी को नजर रखी से अग्राधिकार भित्तिरे टीका जोगाई देवा को निष्पत्ति राज्य सरकार। एने जिलापाल म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य विभाग। दीर्घ दिन हेब औषध दोकानी कोविड योद्धार मान्यता सह स्वतंत्र अभियान में सामिल कर टीका जोगाई देवा को दावी कर आसुते। टीका उपलब्धता को नहीं ध्यान दि जाए टीकाकरण सूचना दी स्वास्थ्य विभाग। केन्द्र टीकारु 45 वर्ष अधिकंकर टीकाकरण करा जिबा बळे 18-44 वयस्क वर्ग को राज्य किणिथिबा टीकारु टीकाकरण करा जिबा। मध्यप्रदेश बैतूल जिले में वैक्सीन को नहीं लोकों मन में भयर वातावरण। 47 गांव में एपर्यंत कहारी को टीका लगी ना। मृत्यु डर से लोकने कोरोना टीका नेउनथुबार देखा मिली। बैतूल गांव में वैक्सीन कथा कहले लोके मारपीट करने को लगी पड़ते। अनेक स्थान में पत्थर माड़ कर खबर नजर को आसुच्छी। गुजर जो लोके टीका लगे राजी हो आदिवासी बहुत गांव गुड़िक वैक्सीन को नहीं लोकों मध्य भ्रम सृष्टि होती। शिशु को कोरोना चिकित्सा नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष गाइडलाइन जारी करा जाएगी। कोरोना संक्रमित शिशु को रेमडेसिविर न देवा निर्देश देते। अत्यावश्यक स्थल में कोरोना संक्रमित शिशु को सीटी स्कैन करने को परामर्श। सावधानता सह स्टेरॉइड व्यवहार करने को परामर्श दिया जाएगी। ब्रिटेन पुणी कोरोना जो परिस्थिति बिगड़े लगी। फेब्रुआरी 26 पर प्रथम थर दिनक सबुठ अधिक 7,540 मामला सामना को आसी। डेल्टा वारियंट जो द्रुत गति में मामला बढ़िवे लगी। 123 जन लोक हस्पिटाल भर्ती कर। एथर कोरोना विरोध में युद्ध लड़ रोबोट। कोरोना रोगी देखाशुना करने को रोबोट सहायक हो। रोगी देखाशुना करने समय रोकवा कोरोना संक्रमण विपद कम। मुंबईर जड़े व्यक्ति रोबोट को तैयारी करते। रोबोट कोरोना विरोध में लड़े में सामिल हो। राज्य कैबिनेट 11 प्रस्ताव पर लगला मोहर। 4 लेन विशिष्ट हेब विजु एक्सप्रेसवे। पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशा को यह संजोग कर। नुआपड़ कलाहांडी 174 किलोमीटर विशिष्ट एक्सप्रेसवे। ए 448 कोटी टंका खर्च हेब। कटक पट्टापोल ठारु मातृभवन जाए रही 3.4 किलोमीटर केनाल प्रस्तुत हेब बॉक्स ड्रेन।
बॉक्स ड्रेन उपरे ओसारिया रास्ता निर्माण हेबो। कटक सहर ट्राफिक और वर्षा समय जलबंदी समस्या दूर हेबो। एथिपाई 450 कोटी 40 लाख टंका व्यवरत करा जिवो। डेढ़ वर्ष मध्ये जायका एही काम शेष करबा पई स्थिर करा जायछि। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अध्यक्षतार अनुषित वर्चुअल मोड्रे कैबिनेट बैठक में निष्पत्ति नियाजायछि। बैठक में अर्थ मत्स्य और पशु संपद विकास साधारण प्रशासन गृह और नगर उन्नयन और पूर्त विभाग मोट 11 प्रस्ताव को अनुमोदन मिलछि। कैपिटल हॉस्पिटल समेत राज्य 7 जिले में प्रतिष्ठा हेबो ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट पर भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री। वर्चुअल माध्यम से भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पुणि आसुची आउ एक लघुचाप, यार प्रभाव में 10-14 तारीख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षार संभावना। प्रबल वर्षा नहीं स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जेना सतर्क कराई। राज्यर समस्त जिलापाल और म्युनिसिपल कमिश्नर को एसआरसी चिठी लिखि सतर्क कराई। आसंता 10-14 तारीख पर्यंत प्रबल वर्षा होबानी आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। सारा राज्यर विभिन्न अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा होपे। वर्षा जो अनेक स्थान में भूस्खलन होवार संभावना। प्रभावित होगा अंचल लोकों स्थानातर करने कहुई लोकों स्थानातरण बात्या आश्रयस्थल प्रस्तुत रखा एसआरसी निर्देश देते। पा जमीवा सह विभिन्न नदी में बन्या संभावना, तेणु विपदजनक नदीबंध प्रति नजर रखा विभागीय जंत्री को एसआरसी निर्देश देते। डंगा और जंत्रांश अग्निशम बाहन को प्रस्तुत रखा निर्देश। सहरांचल तली अंचल में वर्षा पा जमीवार संभावना रही। यार मुकाबला करने अधिकारी को निर्देश देते एसआरसी। बन्या कथा बुझुवा सबु ऑफिस 24 घंटिया कंट्रोल रूम करे। समय भितर समुद्र भितरक न जावाक मत्स्यजीवी को परामर्श दी। संबलपुर जिला बुर्ला थाना हीराकुद रेल स्टेशन सम्मुखे पंचमुखी होटेल जन कर्मचारी को हत्या। मृत कर्मचारी जनक सरोज जेना जमापड़ होटेल तीनज कर्मचारी रोते। कोरोना कटक होटेल बंद रोथवज कर्मचारी को खावा सामग्री दे होटेल मालिक गतकाली घर को जाते। आज सका आसवापुर हत्याकांड बाबदे जानवाक होटेल मालिक से तुरंत अन्य दुईज को पुलिस जिमा देतेज कर्मचारी मध्य झगड़ हत्याकांड होपे पुलिस सन्देह कर। ढाबार दुईज कर्मचारी को पुलिस अटक रखि तदंत जारी रखी। बालेश्वर जिला खैरा थाना जलदा पंचायत तुटो गांव में जड़े नाबालिका खंडार आक्रमण। नाबालिका जनक ट्यूशन जवा समय से ही गांवर पप्पू दास आक्रमण कर सूचना। नाबालिका अतर्कित भाव में मुंड को खंडार आक्रमण करने फेरार हो। आक्रमणर कारण जमापड़ बेले किछि दिन पूर्वरु युवक प्रेम निवेदन करते झीओ परिवार लोके प्रतिवाद करिवारु सेही रागरे आक्रमण करिनैथिबा संदेह करा जाउछि। पुलिस तदंत जारी रखिथिबा बेले युवक जनक फेरार थिबा नै सूचना। घर लोके खबर पाई झीओ को उद्धार करी एक गाड़ी रे खैरा मेडिकल को आनिथिले और परे तंकर स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हेबारु तंकु भद्रक मेडिकल को स्थानांतर करा जाउछि। बालेश्वर जिला खैरा थाना झटिया गांव में जड़े शिशु श्रमिकों को उद्धार करछि खैरा चाइल्डलाइन। शिशुटीर बयस 13 वर्ष होता बेले से मयूरभंज जिला मांकड़ापड़ा गांव बोली सूचना। से झटिया गांव प्रभाकर नायकों घरे छेली चराइबा कामरे नियोजित करा। पिलाटी परिवार आर्थिक स्थिति खराब थिबारु से प्रभाकर घरे काम करथुवा जाना पड़िछि। खैरा चाइल्डलाइन खबर पाई से शिशुटी को उद्धार करछि। आज पिलाटी को बालेश्वर शिशु मंगल कमिटी को हस्तांतर करा जिवो बोली चाइल्डलाइन अधिकारी सूचना देछन्ति। चलित 2021 मसीहार प्रथम शेष सूर्यपराग यह भारत में दृश्यमान हेबो बोली ओडिसा रे देखा जिवो नाही। यह बलय सूर्यपराग होइतबा बेले उत्तर कानाडा ग्रीनलैंड रुषिया किछि अंचल देखा जिवो। एतिस अमेरिका यूरोप एशिया महादेश अनेक अंचल आंशिक सूर्यपराग रूपे देखा जिवो। भारतर केवल जम्मू काश्मीर खूब कम अंचल में अल्प आंशिक पराग दृश्यमान हेबो। भारतीय समय अनुजाई प्राय गोटाए 42 मिनिट्र आरंभ हो संध्या 6:41 मिनिट पर्यंत शेष हेबो। तबे पांजी अनुजाई ई पराग को मानु नथबारु पाको छाड़ देवनीति बंद हेबो नै बोली ज्योतिष माने कहिछन्ति। कोरोना कटका भितर आज राज्य में पालित हो सावित्री व्रत। स्वामी मंगल कामना सुस्वास्थ्य रहिबार कामना करी स्त्री पूजार्चना करिथाय। हेले कोरोना गाइडलाइन जारी करा जाइतिबारु मंदिर जाई पर्वपर्वाणी उपरे कटका जारी करा जाइछि। केवल घरे रही व्रत पालन करछन्ति गृहिणी। सावित्री व्रत अवसर में प्रार्थना जरिया समस्त मंगल कामना करने को प्रयास करछन्ति श्रीमती पायल दास। बंधु मानक सह मिसी कोरोना कटका को मानि प्रार्थना आयोजन कर।
देशर कोरोना महामारी को दूरीभूत करने देशवासी निरोग स्वास्थ्य कामना करी भगवान पाखे दीपदान कर पायल और बंधु ओडिशा ललिता कला एकाडेमी और ओडिशा खणी निगम मिलित सहयोग में विश्व ऐतिह ग्राम्य रघुराजपुर ठारे ऑनलाइन पारंपरिक भित्तिचित्र शिविर शुभारंभ हो रघुराजपुर गांव प्राय 150 परिवार अंशग्रहण करते शिल्पी मैंने निज निज घर द्वार कांथ में कोविड नियम को बजाय रखी पारंपरिक भित्तिचित्र अंकन कर यह शिल्पी मानू अनेक जन जातीय तथा अंतर्जात स्तर में बेस सुपरिचित 150 जन शिल्पी को 10,000 टंका लेखाए प्रदान यहस पांचटी चित्र को ओडिशा ललिता कला एकाडेमी स्वतंत्र चयन कमिटी द्वारा मनोनीत होनल शिल्पी शिविर एकाडेमी सभापति पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक।